और उस गद्यांश पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे और उन क्वेश्चन का उत्तर लिखना होगा उसके आधार पर। याद रखिएगा, क्वेश्चन का उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देना है, अपने दिमाग से बाहर से कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है? तो आप लोग गद्यांश नोट करें। आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, जल्दी करिए। आज आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है। पूर्ण विराम दे लीजिए। परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे परिवारों में आराम से लिखिएगा, घबरा के नहीं, क्योंकि बार बार उसी को पढ़ना है आपको। पढ़े लिखे परिवारों में एक या दो बच्चे ही होते हैं, पढ़े लिखे परिवारों में एक या दो ही बच्चे होते हैं। गुणग्राम पुराने समय का जमाना अब चला गया, जब संयुक्त परिवार हुआ करता था। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, और दुलार के साथ बड़ा करते हैं ठीक है? पुराने समय की, पूर्णविराम देके आगे लिखिए, पुराने समय की यह उक्ति दस वर्षाणी ताड़े
दस वर्ष साड़ी ताड़े वाला फार्मूला बदल चुका है। एक मिनट, यह उक्ति अब कमजोर पड़ चुकी है। यह उक्ति अब कमजोर पड़ चुकी है। लाल एक पंचवर्षाणी दस वर्षाणी ताड़े यह कमजोर पड़ चुकी है। आगे यह फार्मूला बदल चुका है। हाँ, यह फार्मूला अब बदल चुका है। आगे लिखिए, इतना दुलार मिलने के बावजूद है बीच वाले पढ़ाई भी थोड़ी हो जाए। जी जी, आपको ज्यादा मिला है। आप जानते नहीं है, हम बिना मारे भी रुला सकते हैं आदमी को। वह क्षमता है मेरे पास, मेरी परीक्षा न लीजिए। मैं तो एक एक जितने भी लोग हो, हाँ मैं रोज पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं मैं एक ही दिन यहाँ मैं समय निकाल के पढ़ाने आता हूँ, वरना मैं रेगुलर टीचर हूँ कहीं का। और मैं एक साथ पढ़ाता हूँ, सुभाजी देवी इंटर कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ। एक साथ 150 लड़के बैठते हैं और आप लोग अभी कम हो। और मैं एक एक की खबर रखता हूँ। हमारे पढ़ाए हुए लड़के हमको चारों तरफ से घेर लेंगे और बड़े प्यार दुलार से रहते हैं। 500 लड़के एक साथ पढ़ा, थोड़ा लगे कि हाँ अभी शिक्षक, हम भी शिक्षक हैं, आप भी विद्यार्थी। और ऐसी कोई बात आप नहीं कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं होती है। आदत है, 15 साल हो गया पढ़ाते हुए। आगे लिखिए, इतना दुलार मिलने के बावजूद आज की नई पीढ़ी के बच्चे असहनशील होते जा रहे हैं। अगर कक्षा में शिक्षक उन्हें कुछ कह दे गामा, घर में माँ बाप उन्हें कुछ कह दे या कोई रिश्तेदार या बड़ा भी कुछ कह दे तो वे तुरंत जो बाद में आए हैं वो भी लिखना शुरू कर दें। ऐसा ना सोचें कि हमको नहीं लिखना है। मैंने लगभग 20 क्वेश्चन बनाए इसी पैराग्राफ से और आपको 4 पैराग्राफ के बराबर यही है। तो आप जहां लेट आए हैं तभी दिखिए इसको क्या लिखनी है। तो वे तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते ग्रहणशीलता समाप्त होती जा रही है।
और जैसा वे चाहे वैसा करने की आजादी, जैसा वे चाहे वैसा करने की आजादी उन्हें चाहिए। जैसा वे चाहे वैसा करने की आजादी उन्हें चाहिए। पूर्ण विराम दे के आगे लिखिए अस्तु। हाँ अस्तु येन केन प्रकारेण, येन केन प्रकारेण, यह उक्ति तो है आप लोग हर बात में, येन केन प्रकारेण, इसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से। एक ही लक्ष्य है क्या कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है। आगे आप लिखिए येन केन प्रकारेण बच्चे पढ़ लिख कर अस्तु, येन केन प्रकारेण बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पा जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं या अपना काम संभाल लेते हैं, अपना काम संभाल लेते हैं। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं उनके द्वारा बचपन के प्यार से लेकर, उनके द्वारा बचपन के प्यार से लेकर उस समय तक के त्याग, बचपन के प्यार से लेकर उस समय तक के त्याग और बलिदान उन्हीं के अपने बच्चों द्वारा बलिदान उन्हीं के अपने बच्चों द्वारा भुला दिए जाते हैं। उनके द्वारा बचपन के प्यार से लेकर उस समय तक के त्याग और बलिदान उन्हीं के अपने बच्चों द्वारा भुला दिए जाते हैं। अब माँ बाप बूढ़े और शक्तिहीन हैं, अब माँ बाप बूढ़े और शक्तिहीन हैं और बच्चों पर बोझ, और बच्चों पर बोझ, बच्चों पर बोझ। आज के बूढ़े माँ बाप पिछली पीढ़ी के बूढ़े माँ बाप से तुलना में अधिक दयनीय होते जा रहे हैं, तुलना में अधिक दयनीय होते जा रहे हैं।
उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हें अपने परिवार का उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हें अपने परिवार का सदस्य मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि बुढ़ापे में या तो माँ बाप अकेले रहते हैं और या अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह ताकते हैं पीढ़ियों के अंतराल से जीवन मूल्यों में तेजी से बदलाव हो रहा है अच्छी भावना से भी यदि बूढ़े माँ बाप वयस्क बच्चों या उनके परिवार के विषय में कुछ सलाह दे देते हैं उनके परिवार को परिवार के विषय में कुछ सलाह दे देते हैं तो उनकी सलाह का सम्मान नहीं होता यह संभवतः पीढ़ियों के अंतराल का परिणाम है। अब समय बदल गया है, बस तीन लाइन दो लाइन और है। अब समय बदल गया है और अनुभव पूर्ण सलाह की आवश्यकता नई पीढ़ी को नहीं है। कहते हैं सब नई पीढ़ी वाले ना कि ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, हमको सब आता है। आप जो है गलत बता रहे हैं।
दुनिया जान लीजिए, कहीं नहीं तो कहीं। पुराने पिता का अनुभव बच्चे के अनुभव से ढाई गुना ज्यादा होता है, कम नहीं होता। बच्चे और पिता में अंतर 30 साल का होता है, 25 साल का होता है, गुना अंतर होता है। चलिए आगे लिख लीजिए, थोड़ा और बाकी है। अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें साथ रहना है, अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें साथ रहना है तो एडजस्ट करके चलें। यदि उन्हें साथ रहना है तो एडजस्ट करके चलें, अन्यथा वृद्धाश्रम में हम उम्र लोगों के बीच समय बिताएं। खुद भी चैन से रहें, और उन्हें भी अपनी तरह से चैन से रहने दें, क्या वास्तव में इस सब के लिए युवा पीढ़ी ही दोषी है? या कुछ दोष वृद्धों का भी है? समाप्त हो गया। थोड़ा एक आध मिनट आप लोग बहुत मेहनत कर दिए, यही एक दोष जो आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं कर पा रहे हो, थोड़े से मैं थकावट आ जाती है। कारण यह है कि लिखना आप लोगों को पड़ता है। अब आप लोग पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। आज के बुजुर्गों के लिए पहला क्वेश्चन, आज के बुजुर्गों के लिए समय की कौन सी सबसे उचित मांग है? आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सबसे उचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें, थोड़ा पैराग्राफ को पढ़ के इसका पहले का इसी क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए। हम आपको ऑप्शन बता दें, पहले बिना ऑप्शन के हमको उत्तर चाहिए। पढ़िए अभी,
अभी एक लड़की ने बोला है कि एडजस्ट करें, केवल एडजस्ट करने से काम नहीं होगा, उसमें चार उत्तर दिया हुआ है, आप लोग उसको ठीक से पढ़िए। एक उत्तर एडजस्ट करना, एक उत्तर है और आप लोगों से एक निवेदन है, जो भी बोले लगे कि आप ग्रेजुएट हैं और कुछ तर्कपूर्ण बात बताएं। खड़ा होकर या तो नहीं, केवल एक कारण उसके आधार पर आप बताइए। पहले ही आपने लगा दिया या तो वृद्धाश्रम चले जाए या तो फैमिली के साथ एडजस्ट कर, यही ना? क्या यही उपाय है? बैठ जाइए, पढ़िए पहले, उत्तर आपका अपूर्ण है। अभी हम पूछेंगे, कोई दिखाएगा नहीं किसी को, आप अपना देखिए या तो उनके पास जाके बैठ जाइए, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है और उसी को आपको अलग करना है उस पैराग्राफ से, और कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपकी क्रिया उसका कितना जल्दी आप किसी निष्कर्ष को निकाल लेते हैं किसी चीज को पढ़कर, यही आपको पढ़ना है। संयुक्त परिवार, इस लड़की ने दूसरा उत्तर बता दिया, अपनी सलाह को अपने पास रखें, उन पर थोपे ना, अपनी सलाह को अपने पास रखें। हर आदमी का एक विशेष गुण होना चाहिए और वही विशेष गुण उसको जीवन भर काम आता है। आज जितना गुण आप सीख लेंगे आपको बुढ़ापे तक वो सारे गुण काम आएंगे, और जितना दोष आपके अंदर आएगा वह सारा दोष आपको जीवन भर तकलीफ देगा। तो आप व्यक्ति का यह, जब तक आपसे राय न मांगी जाए तब तक आप किसी को अपनी राय न दें, यह सदाचार का सबसे पहला नियम है। जब तक आपको आपसे कोई राय न मांगी जाए तब तक आप अनावश्यक राय, यह वृद्धों को भी चाहिए। तो पहला ऑप्शन आ गया, अपनी राय बिना मांगे उनके ऊपर न थोपें, या बिना मांगे अपनी राय न दें, चाहे वो लाख मूल ले मांगो। दूसरा अर्जेंट करके चले, एक और ऑप्शन बचा हुआ है, खोजिए। यदि उन्हें साथ जाना तो मिलजुल कर रहे, वो कभी भी अपने बच्चों पर बोझ ना होने दें अपने आप, अपना खर्च इतना कुछ बचा के रखें या ऐसी कोई व्यवस्था करें कि वो बच्चे के ऊपर कभी आश्रित न रहे। उसमें लिखा हुआ कि बच्चों का मुंह ताकना पड़ता, मुंह ताकना मुहावरा है, आश्रित होना, मुंह ताकने का अर्थ क्या होता है? आश्रित होना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अपने मित्र का मुंह ताकते हैं कि कब बता देगा, यानी कि आप उसी के भरोसे आ गए। और कभी भी वृद्धावस्था में एक वृद्ध को यह चाहिए कि वह किसी के आश्रित न हो। अब आप अपने इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे चले जाइए, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन नोट कीजिए, कौन देखिए, बुढ़ापे के लिए कौन, बुढ़ापे के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसी का मुंह न देखना पड़े, अपनी राय किसी को किसी पर न थोपे, ख, हाँ उसका ख वाला ऑप्शन, अपनी राय किसी पर न थोपे, अपनी राय किसी पर न थोपे, गो
बच्चों को साथ लेकर वृद्धाश्रम चले जाएं, बच्चों को साथ लेकर वृद्धाश्रम चले जाएं, तो अगला ऑप्शन लिखिए, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। आपका अंतिम ऑप्शन सही हो जाएगा ना, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, पीढ़ियों के अंतराल से बदला है, पीढ़ियों के अंतराल से बदला है, रहन सहन पीढ़ियों के, हाँ ऑप्शन है, यह बहुत छोटा क्वेश्चन बनाए हैं, पीढ़ियों के अंतराल से बदला है। पहला ऑप्शन है रहन सहन, दूसरा ऑप्शन है खान पान, तीसरा ऑप्शन है महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है इस कारण नई पीढ़ी में, इस कारण नई पीढ़ी में तनाव बढ़ गया है, महंगाई बढ़ी है इस कारण नई पीढ़ी में तनाव बढ़ गया है, चौथा ऑप्शन है जीवन मूल्य, आपका इसमें से चौथा ऑप्शन सही है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, और आप लोग पैराग्राफ को ठीक से पढ़ लेंगे, इस पैराग्राफ का उचित शीर्षक होगा अगला क्वेश्चन, इस पैराग्राफ का उचित शीर्षक होगा, अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, आपको इसका उचित शीर्षक खुद ही ढूंढना है। इस गद्यांश का, पैराग्राफ की हिंदी होती है गद्यांश या पद्यांश, है ना, अनुच्छेद जिसको कहते हैं, पैराग्राफ माने अनुच्छेद, अनुच्छेद गद्य और पद्य का अलग अलग होता है, तो गद्यांश और पद्यांश कहते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक है चार ऑप्शन दे रहे हैं, या तो अपने आप इसको खोज के लिखिएगा, ऑप्शन दे देंगे तो आसान हो जाएगा, और अपने हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, आप भी तो सर्च कीजिए, क्यों सारी मेहनत मैं करूं भाई, अगर नहीं आएगा तो बताऊंगा, पहले इसको सर्च करना। अगला क्वेश्चन नोट करो, आप माँ बाप कैसी सलाह बच्चों को नहीं दे पाते, कैसी सलाह बच्चों को नहीं दे पाते, पहला ऑप्शन है अच्छी सलाह, दूसरा है बुरी सलाह, तीसरा है काम की सलाह, काम की सलाह, चौथा ऑप्शन है अच्छी भावना से युक्त, अच्छी भावना से युक्त अनुभवपूर्ण सलाह।
अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, इसका गौ वाला ऑप्शन सही है। कौन से माँ बाप यह आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, हम आपसे बता दे रहे हैं। मेरे पास अगले ही साल का पेपर और जो मैंने आपको लेख लिखाया है यही लेख अगले वर्ष परीक्षा में पूछा गया था और मैं उसी लेख पर 5 क्वेश्चन आपको आएंगे ना, तो 5 क्वेश्चन आप वाले हैं और 8 क्वेश्चन हमने बनाए तो 13 क्वेश्चन हो गए। तो जो मेरे हाथ में यह पेपर है आपके पेट का अगले ही वर्ष का पेपर है, तो ये क्वेश्चन प्रिंटेड है और यह क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आपके परीक्षण के लिए, आपको पढ़ने की आसानी हो जाए, ठीक है। इसलिए ऐसे ही पैराग्राफ आपको आने वाले और एकदम आधुनिक विषय पर आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सामाजिक जो बदलाव हो रहा है, नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है उसकी चिंता है, ठीक है, सरकार को भी। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो बिल्कुल मॉडर्न होंगी, आज की समस्याओं से मिलती जुलती, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ लिखने के लिए भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए अभी जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ पूरा हुआ कि नहीं, अभी लिखिए उसको। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते, दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं। इसका उत्तर आप लोग 30 शब्द या 20 शब्द के अंदर लिखिए, अभी लिखिए पढ़ के, इसका सटीक उत्तर लिखिए। 20 शब्द में लिखना है, उसको पढ़ डालिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए पूछ क्या रहे हैं और इसके बाद पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से उत्तर छांट के तुरंत बताइए मुझको भी। आपको केवल 2.5 मिनट का समय है, 20 शब्द लिखना है। चुनचो उन्हीं के द्वारा पारित पोषित बच्चे अपने ही परिवार का सदस्य, नहीं जल्दी बताने की तेजी नहीं है, आप जो बता रहे हैं बहुत बड़ा हो जाएगा, 20 से 25 शब्द नहीं होने चाहिए। बैठो, इसका उत्तर मैं बताया हूँ लेकिन आप लोग खोजिए, उसमें मिलेगा इसका उत्तर, बताओ। जो वृद्धावस्था के लिए अपनी कुछ व्यवस्था रखते हैं उनका मुंह नहीं देखते, बैठिए, आधा उत्तर मिल गया आधा और है। वे माँ बाप जो अपनी व्यवस्था करके रखते हैं, यानी कि बुढ़ापा में बच्चों का मुंह नहीं देखते, 10-12 शब्द हो गया ना, एक और वाक्य जुड़ेगा, और उन्हें अपने अपने परिवार के सदस्य के रूप में नहीं मानते हैं। दूसरा बताओ बताओ क्या दिक्कत है, बोलो। बिना राय मांगे अभी बताए हैं ना,
कि जब तक आपसे उचित राय न, जब तक बच्चे राय न मांगे तब तक उनको अपनी उचित राय न दें। कुल मिलाकर आप ये भी लिख सकते हैं कि बूढ़ों को चाहिए कि वो अपने पुत्र वधू और पुत्र का सम्मान करें, यानी उनकी इच्छाओं का भी ख्याल रखें। एडजस्ट करके चले लिखा है ना, इसी को लिखो ना कि बूढ़ों को बच्चों के साथ एडजस्ट करके भी चलना चाहिए। ठीक तो है, कहाँ मैं कर तुम्हारे केवल एक के बता देने से पूरी क्लास नहीं समझ जाएगी ना, लेकिन आप लोगों को भी सर्च करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोनों को लिख लीजिए। पहला है एडजस्ट करके चले, और दूसरा ऐसी व्यवस्था करें जिससे बुढ़ापे में बच्चों का मुंह न देखना पड़े या न ताकना पड़े, यानी उनके ऊपर आश्रित न रहना पड़े। दोनों आप दोनों लिख लीजिए, इसका एक उत्तर है। बुढ़ापे में बच्चों का मुंह न देखना पड़े ऐसी व्यवस्था करें, और दूसरा है बच्चों के साथ एडजस्ट करके चलो। एडजस्ट अंग्रेजी है, उसका हिंदी होता है समायोजित। ठीक है ना, समायोजन बना के चलना, बैलेंस करके चलना। ठीक है, चौथा अब तो इसका क्वेश्चन था, लिख लो पहले, लिख लो, लिख लिया सभी लोगों ने, लिख लिया लिख ले तो हम तुरंत अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन भी आपको 20 शब्द में ही उत्तर देना है, और इसके बाद में आपसे वाला जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, उसको बताइएगा, वो भी नहीं आएगा जल्दी, आए आपके पैराग्राफ में ही उसका उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से, आज की युवा पीढ़ी में होना चाहिए, से नहीं, या आज की युवा पीढ़ी में वह आत्मीयता गायब है, वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी, इसका उचित कारण क्या हो सकता है, इसका उचित कारण क्या हो सकता है। 20 से 25 शब्दों के अंदर आप अपना उत्तर दें इस पर, पैराग्राफ के आधार पर। लिख के बताओ पूरा 25 शब्द वाला, कंप्लीट उत्तर दीजिए। नहीं नहीं, जो बोलना, देखो आप लोग यदि एग्जाम में जाओगे तो बोल के उत्तर नहीं देना है आपको, रिटर्न उत्तर देना है आप, वहां कॉपी लेके बोलने नहीं जाएंगे, आप लिख के पूरा उत्तर बताइए और पैराग्राफ के अंदर ही इसका उत्तर है, अलग से ऐड नहीं करना है।
किसी ने लिखा बताइए, पुराने समय की युक्ति कमजोर पड़ चुकी है। गुड, कौन सी युक्ति? या हाँ ठीक, और काम नहीं कर रहा है। देखिए इस उक्ति का कथन जानते हैं, 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, और 10 वर्ष तक लड़की को मारना चाहिए। इसका यही अर्थ है, ताड़े तो नहीं मारना, 10 वर्ष अनिता रहे, 10 वर्ष तक मारिए, अब 5 वर्ष तक, जब तक कि वो 5 वर्ष तक नहीं होता, कक्षा 1 में पढ़ने के लायक नहीं होता, तब तक बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह अबोध है, वह दुनिया की किसी चीज को नहीं जानता। यह उक्ति बहुत पुरानी उक्ति है, बुद्धिमानों ने लिखा कि 5 वर्ष तक बच्चे को बिल्कुल दुलार मिलना चाहिए, और 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था तक बच्चे को दंड मिलना चाहिए, हर उसको ढंग सिखा दिया जाना चाहिए। यदि वह 15 वर्ष की अवस्था तक सुधार नहीं लाया, वांछित सुधार नहीं हुआ, तो वह उसके पूरे जीवन में सुधार संभव नहीं होगा। बहुत कम उम्मीद है कि आगे चल को संभल पाए, ठीक है। तो यह उत्तर इसमें इसका उत्तर नहीं, सहनशीलता और ग्रहणशीलता समाप्त हो रही है, आधा उत्तर मिल गया। आजकल के युवाओं की सहन शक्ति, अगर कोई बड़ा कुछ कह दिया तो उसके ठीक प्रतिक्रिया लिखवाए तो है अभी, उसके ठीक विपरीत प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे बड़े हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे माता पिता हो, यह उनके अंदर ग्रहणशीलता और सहनशीलता की शक्ति छीन हो रही है, यह एक बहुत बड़ा कारण है। बोलो अगला उत्तर, बोलो बोलो भाई, क्या दिक्कत है, आधा मिल गया। हाँ बताइए, बदलाव से जीवन मूल्यों में भी, जीवन मूल्यों के भी बदलने से युवा पीढ़ी के ग्रहण करने की क्षमता, और बता चुके हैं वो बहुत कम शब्दों में, आप तो बहुत बड़ा लिख दिए, अगर आपको केवल 4 लाइन दिया रहेगा और उसी पेपर आंसर शीट पे वो लाइन रहेगी और उसी पे लिखना हो, अट्ठाईस वर्ड होता है अधिकतम, अच्छा आगे फिर से वो उत्तर हो चुका है, बैठिए और बताइए। आजादी तो उनको चाहिए, वह आजादी दे दी जाएगी तो देश सत्यानाश को चला जाएगा। अगर युवाओं को जैसी जैसी आजादी चाहिए वैसी आजादी मिल गई तो भारतीय संस्कृति का भंडाधार हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। माता पिता के द्वारा किए गए त्याग को भूलते जा रहे हैं, कौन? अगर वही त्याग माता पिता उचित संसाधन दे रहे, क्वेश्चन को पढ़िए, माता पिता के द्वारा उचित लालन पालन और संसाधन के बावजूद नई पीढ़ी में यह बदलाव आ रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण यह है कि वो अपने माता पिता के पूर्व के त्याग को भूल जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, असहनशील होते जा रहे हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले हो गए हैं। यही 3 कारण। सबसे पहला कारण है, अगर कोई अपने माता पिता के त्याग को न भूले, आज तो इन्वर्टर बैटरी आ गई, आज से जब हम छोटे थे तो हम लोग घिबरी के चिराग से पड़े हुए, हमारे यहाँ इन्वर्टर, हमारे ख्याल में इन्वर्टर एक बहुत बड़ी चीज थी जो शहरों में हुआ करती थी, ठीक है, मात्र 30 साल का अंतर है, 20 साल का अंतर। अब 20 साल पहले हम विद्यार्थी थे तो हमारे समय में इन्वर्टर नहीं, बैटरी का छोटा वाला चार्जर आता था जो एक जगह रख दिया जाता था और पूरे घर में उजाला उसे फैलता था। इन्वर्टर को तो कोई जानता ही नहीं था कि इन्वर्टर क्या होता, और कोई टेलीफोन भी हमारे समय में नहीं था, टेलीफोन भी हमारे गांव में हमारे समय में नहीं था, मऊ में भी एक आध दो PCO हुआ था, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस, ठीक है। तो यह व्यवस्था थी, अब मात्र 20-25 साल का बदलाव है, आपकी पीढ़ी में ऐसे ही पीढ़ियां बदलती चली जा रही हैं, और जेनरेशन गैप कहते हैं उसको इंग्लिश में, पीढ़ी अंतराल, वह इसका केवल एक ही उपाय है कि अपने माँ बाप के त्याग को, उन्होंने अपना पेट काट कर कैसे हमें बड़ा किया है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, और हमें सहनशील और ग्रहणशील बनना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। आजकल बच्चे क्या चाहते हैं? आजकल बच्चे क्या चाहते हैं? पठित गद्यांश के आधार पर उत्तर दें। आजकल बच्चे क्या चाहते हैं? आजकल बच्चे क्या चाहते हैं? लिखा हुआ है, तीनों को मिला दीजिए। आप लोग अगर इसको लिख के बताते हैं कि सर तो अच्छा रहता, चार लोग चार पद बताएंगे तो चारों का उत्तर अधूरा माना जाएगा, क्योंकि चारों एक ही साथ नहीं लिख सकते, काफी अलग अलग रहे। इसका सभी का मतलब एक ही है कि वो जैसा चाहे वैसा करें, आजादी चाहते हैं। इसके अलावा चाहे उनको कोई रोक टोक ना करे, कोई उनको वो असहनशील हो जाते हैं, इसका एक ही कारण है कि वो आजादी चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कोई और कारण है क्या? चलिए, यही उत्तर पर्याप्त भी है। उन्हें कोई दूसरी सलाह न दे, वह जैसा चाहे वैसा जीवन जी पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करें। कौन से बच्चे अपने माता पिता को दूसरा गद्यांश है इसी का, इसमें आपको दो गद्यांश आएगा। हाँ, इंग्लिश का भी गद्यांश आएगा, हिंदी का भी आएगा, और दो गद्यांश आया है। और 10 क्वेश्चन है केवल गद्यांश, जितना व्याकरण आज तक हम लोग और आप लोगों ने पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन उस व्याकरण से नहीं आया, केवल। ठीक है, आप लोगों को आया है अनेकार्थी शब्द, जैसे हरि और हर, हरिहर का अर्थ होगा विष्णु और शंकर, विष्णु और केशव, विष्णु और माधव, और विष्णु और ब्रह्मा। केशव, विष्णु और केशव क्या पूछे, कैसे बोलोगे? हम जब उसको पढ़ाएंगे ना, अभी आपको सुनिए, हम लोग अब पढ़ेंगे, आज अगर गद्यांश पढ़ ले रहे हैं, तीन चार गद्यांश लगातार पढ़ेंगे, क्योंकि दो गद्यांश आपको श्योर आएगा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक सम, सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हरि का अर्थ विष्णु, हर माने शंकर, विष्णु शंकर। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों में इसमें पूछा हुआ। चलिए अगला लिखिए, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं? जिन बच्चों के पास ग्रहण करने की, आपको ऑप्शन बनाए हैं, ऑप्शन लिखिए, संस्कारहीन बच्चे, संस्कारहीन और अविवेकी बच्चे,
संस्कारहीन और अविवेकी बच्चे। पहला ऑप्शन दूसरा जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, वो लिखिए जो दीनहीन अवस्था में है, जो दीनहीन अवस्था में है, जो विदेश चले जाते हैं, और अगला ऑप्शन जो विदेश में रहते हैं, गौर घ हो गया। पहला इसका सही है, और जो ख वाला है ख भी सही हो सकता है, लेकिन यह है कि जो पहला का अविवेकी शब्द लगा है ना, अगर वो विवेकशील होते तो अपने माँ बाप को कभी खुद ही न भेजते किसी कारण से। विवेक जो शब्द लग गया है बहुत मीनिंगफुल है, ठीक है। बी वाला सही हो जाता, लेकिन जो पहले वाले में विवेकशील शब्द लगा दिया है तो विवेक का अर्थ होता है कि सोचने की क्षमता। नहीं, बी वाला सही नहीं होगा, इसीलिए तो सही हो सकता है, वो भी एक छोटा सा कारण है, और वो कारण आपसे पैराग्राफ से मिल रहा है, खोज लीजिए। अरे अपने भविष्य को देखने का अर्थ है दूरदृष्टि, दूरदृष्टा होना, कल क्या होने वाला है आज उसकी चिंता कर लेने वाला ही विवेकी पुरुष कहलाता है। अपने अविवेक के कारण ही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, इसलिए पहले वाले में ही सारा उत्तर मिल जा रहा है जो इस पैराग्राफ के ऊपर आधारित है, ठीक है। नहीं, परिवार में आता मानना नहीं है, यही एक चीज दिक्कत है इसमें। आप लोग कभी भी कोई उत्तर मान के नहीं देंगे, मान लिया कि ये शब्द ही नहीं आना चाहिए, आप जो भी कहें एकदम इसके आधार पर कहें, बताइए। माँ बाप को आजीवन यदि कोई लड़का अमेरिका चला गया, इसकी मूल समस्या यह नहीं है, इसकी मूल समस्या माँ बाप की वह चिंता है जिसमें वह लड़के को अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसके लड़के विदेश चले गए। वह इसमें एक मैंने लिखवाया भी है, वह कुछ दिनों तक जाकर अपने बच्चों के साथ रह लेता है, अब फिर वहाँ से आ जाता है तो यहाँ अकेले बुढ़ापा को झेलने के लिए मजबूर हो जाता है, क्या करे, वहां एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप, जिसका पूरा जीवन भारतीय संस्कृति में बीता है। और अगर वे बच्चे एक इससे मिलता जुलता एक और पैराग्राफ इसी पेपर में, दोनों पैराग्राफ एक ही केंद्र बिंदु बना के दिए गए, ठीक है। तो इसलिए वृद्धाश्रम भारत में वृद्धाश्रम तो होते ही नहीं थे, हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिखवाया है टूटते हुए या बिखरते हुए परिवार, बृहद परिवार अब नहीं, बड़े परिवार नहीं पाए जाते, परिवार की संकल्पना भारत में बदल गई, इसका उचित शीर्षक बदलना। हमें लिखवाया नहीं हूं, मैं क्वेश्चन दिया हूं ना, ऑप्शन दे दे, अब उसके ऑप्शन देने का समय आ गया है। ऑप्शन नंबर एक नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर एक नोट कीजिए, सदाचार इस गद्यांश का उचित शीर्षक है। सदाचार बदलती संस्कृति है।
बदलते नैतिक मूल्य, अभी घबराओ मत, काहे टेंशन ले, बदलते नैतिक मूल्य, टूटते परिवार, बदलते नैतिक मूल्य, टूटते परिवार, सदाचार, और एक और क्या बोले हैं, बदलती संस्कृति, बदलती संस्कृति, ठीक है। सदाचार संस्कृति, थोड़ा सा आप लोग विचार करके हमको बताइए, तो हम तो बात बताएंगे। सदाचार ही लग रहा है, कैसे सदाचार लग रहा है बताओ तो, खड़ा हो एक मिनट रुको, आप लोग रुक जाओ, चलिए आप बताइए, खड़े हो जाइए, आप पेन पास है पहले से, बताइए खड़े हो जाइए, बताइए कैसे सदाचार होगा। बताइए क्या बोले, नहीं बैठ जाइए, बैठिए, हम समझ गए। नैतिक मूल्य क्या है, इसका ऑप्शन यही है, बदलते नैतिक मूल्य, यही इसका। अच्छा, शीर्षक की क्या खूबी होनी चाहिए, शीर्षक की विशेषता होती है, शीर्षक की सबसे बड़ी विशेषता, पहली विशेषता है उससे पूर्ण भाव का बोध होता हो, दूसरी विशेषता है वह लघु हो, एक एक लाइन का शीर्षक नहीं होता, छोटा हो, पूर्ण भाव को व्यक्त करता हो और उसकी मूल समस्या पर आधारित हो। मूल समस्या यह नहीं कि विद्याश्रम खुल रहे हैं, मूल समस्या यह नहीं, अभी जानते हो भारत में मात्र 8% परिवार ही वृद्धाश्रम की तरफ रुख किए हैं, 10% भी नहीं, अभी 92% परिवार अभी अभी पुरानी संस्कृति के अनुसार जी रहे हैं, और वो भी 8% में वही हैं जो महानगरों में निवास करते हैं, जिनका जीवन एकाकीपन से युक्त है। महानगरों में भी सभी एक अकेले नहीं है, महानगरों में भी वे 3% परिवार, 4% परिवार वह हैं जिनके बच्चे और बहू दोनों विदेश में, और वो कम मर जाए उनका, मतलब ये बहुत कम रेशियो है। इसलिए इसकी मूल समस्या यह नहीं है, इसकी मूल समस्या यह है कि अपने पालन करने वाले पिता के त्याग को भूल जाना, यानी कि नैतिक मूल्यों में कहीं नहीं कहीं गिरावट इसका मूल विषय है ना। नैतिक मूल्य है सदाचार, कर्तव्य परायणता और अपने दायित्वों का निर्वहन करना, ये नैतिक मूल्य, और इनमें गिरावट आ रही है, ठीक है। इसके तीनों जो ऑप्शन हमने बाद वाले दिए हैं ना, जिसको आप लोग दूसरे वाला को सभी दिखाते ही कहें कि यही सही है। बदलती हुई संस्कृति, संस्कृति भी एक ऐसा शब्द है जिसमें संस्कृति की परिभाषा है भूमि, भूमि पर रहने वाले जन, और जन की संस्कृति देश कहलाता है, ठीक है। तो संस्कृति जो कल्चर है उसमें खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं सभी कुछ आ जाती है, ठीक है। लेकिन उसकी मूल मूलभूत उसमें इसमें पीड़ा संस्कृति की नहीं है, बदलते हुए हमारे नैतिक मूल्यों की समस्या को दिखाया गया है। इसलिए इसका उचित शीर्षक हमारे हिसाब से, सबके हिसाब से, बदलते हुए नैतिक मूल्य हो, छोटा भी है, ऐसा नहीं है कि 5 लाइन का है, वृद्धाश्रम और भारत का जीवन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और नोट कर लें, इसके बाद संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी आप ले रहे हैं ना, इसीलिए आपने नोट नहीं किया। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है?
संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क दीजिए, सबसे सबल तर्क दीजिए। आपको 20 से 25 शब्द हैं, लिखित उत्तर दीजिए। सबसे सबल तर्क दीजिए। पढ़ लीजिए, 5 मिनट का समय देता हूं और यही आपका इस पैराग्राफ का अंतिम क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ के लिखिए उत्तर, केवल मात्र 2-3.5 लाइन में आपको उत्तर लिख के बताना है, क्योंकि ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? आपको ऑप्शन भी अगर दे दिया जाएगा तो ऐसे ही एक एक लाइन, डेढ़ लाइन का, दो दो लाइन का ऑप्शन दिया जाएगा, है ना? चलिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी माँ बाप के अकेले रहने का कौन सा सबसे सटीक कारण आपको लगता है? लिख के बताइए पूरा उत्तर। अपने परिवार के सदस्य मन से स्वीकार नहीं कर रहे, यही कारण है कि हम काफी बनना चाहते हैं। आपका उत्तर अपूर्ण है। माँ बाप का संतान के प्रति दखल अंदाजी, फिर वही आ गए दलील देने। आप उसको लिख के पूरा उत्तर तो बताइए, केवल दखल दे देना कारण हो गया। आ कोई लड़का विदेश चला गया है, बात ही नहीं हो रही है, तब कैसा दखल दे रहा है? क्या बैठ जाओ, आधा उत्तर तो हो ही गया। आप तीनों को मिलाओ ना एक में, अलग अलग उत्तर, चार कारण है तो एक ही उसमें सबल तर्क पूछ रहा है ना, तो तर्क में कई कारण हो सकते हैं, एक लॉजिक में कई कारण तो हो सकते हैं ना एक तर्क में। बच्चों का अश्वानशील होना और प्रणशीलता के न होने का कारण, और माता पिता की बातों का सम्मान न करना। बात तो एक ही है, सम्मान करेगा तो और सर माता पिता के सत्संग न होने का कारण अपने। हाँ, अगर चारों को मिला दिया जाए एक में, आप 5-4 जितने आपने बताए हैं, तो सबसे जरूरी कारण यह है, आपने क्या बताया था? बोझ समझना, वो आपके असहनशील होने का वो कारण है, ठीक है? नैतिक मूल्यों में गिरावट और बुढ़ापे में बच्चों की तरफ देखना, यही दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रह पाते, ठीक है? नैतिक मूल्यों में गिरावट, अभी नैतिक मूल्यों में ह्रास की बात आई है ना उसमें, हाँ, यही दो कारण है। तो है मैंने मान गया हूँ कि बात तो सही है, लेकिन ये है कि पूरा उत्तर नहीं है, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन का और उत्तर लिखिए। बुढ़ापे में माँ बाप अपने बच्चों का मुंह क्यों ताकते हैं? बुढ़ापे में माँ बाप अपने बच्चों का मुंह क्यों ताकते हैं? क्योंकि वो उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, ताकि वो पढ़ गए अपने लिए बचा के रखते हैं। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, आपकी समझ को परखने के लिए, सबसे अंतिम जो वाक्य लिखा है, क्या वास्तव में इन सब के लिए युवा पीढ़ी दोषी है या कुछ दोष वृद्धों का भी है? बहुत अच्छा,
हम तो कहते हैं कि सारा दूध वृद्धों का ही है भाई, इस पे अपने तर्क दीजिए, बताइए। आजकल के बच्चों को सब्जी दे दो, फिलहाल घास माता पिता। फिर से नहीं नहीं बैठ के बोलने दो, बोलो आप बोलो। इसको आप लोग वोटिंग मत करिए, आप बोलो। माता पिता भी अपने बच्चों की सही से देखभाल नहीं कर पाते, सही से देख उचित संस्कार नहीं दे पाते हैं। लालन पालन तो कर लेते हैं, खिला पिला देते हैं, लेकिन उचित संस्कार के अभाव में, संस्कार किसी एक आदमी से नहीं बनता। संस्कार आपका जो ये नेचर है, यह आपके पूरे परिवार की पृष्ठभूमि को दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए संस्कार, संस्कारहीनता इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और क्या कारण है? माता पिता अपने बच्चे को क्यों उचित संस्कार नहीं दे पा रहा? समय का अभाव। समय का अभाव। और समय का अभाव क्यों है? बताइए बताइए बताइए। देखिए आज का लेसन समाप्त हो चुका है, ठीक है, टाइम भी लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इस क्लास को अभी जारी रखें, ठीक है। और अगले लेसन में हम लोग फिर एक नया पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज कल के माता पिता को बच्चों के साथ 2 मिनट बैठने का टाइम नहीं है।